Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा की पहली मंजिल के कॉरिडोर में खड़े विपक्ष के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल और दूसरे विधायक नीचे भरे पानी को देखने लगे। नागपुर में भारी बारिश के बाद विधानसभा तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कॉरिडोर में जाकर विधानसभा में भारी बारिश के पानी का जायजा लिया। इस बीच उनके साथ कई दूसरे विधायक भी खड़े थे। एक विधायक तो जलभराव का वीडियो ही बनाने लगे। विधानसभा में पानी भर जाने से महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले अपनी पैंट उठाकर एक आदमी के सहारे बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। जोरदार बारिश की वजह से विधानसभा की बिजली भी गुल हो गई, जिसके बाद सदन के अंदर अपने दफ्तर में बैठे राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े और महाराष्ट्र विधान परिषद ने विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे को मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी पड़ी। विधानसभा में पानी का कब्जा होने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। बारिश होने के बाद वहाँ सब पानी ठीक तरह से ड्रेनेज से गया नहीं और इसीलिए आज का कामकाज हुआ नहीं। इसके अलावा एनसीपी ने मुंबई की जगह नागपुर में विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और सरकार के इंतजामों को नाकाफी बताया। हालांकि नागपुर में हुई जोरदार बारिश का असर शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखा। जगह जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी वजह से सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में आधी डूब गई। इस बीच एक आदमी की मोटरसाइकिल सड़क पर भरे पानी में रुक गई, जिसे दूसरे आदमी ने धक्का देकर निकालने में मदद की। कमोबेश ऐसे ही हालात शहर की दूसरी सड़कों पर भी दिखे, जहां लोग एक दूसरे को पकड़कर कमर तक भरे पानी में चलते दिखाई दिए। घर से निकलने के लिए तकलीफ हो रही है, गाड़ी चलाने के लिए तकलीफ हो रही है और मेन मतलब पूरा घर पे पानी घुस रहा है हमारे। नागपुर में दो दिन की भारी बारिश से ये हालात बने, जबकि मुंबई में भारी बारिश की वजह से 47 साल बाद नागपुर में विधानसभा सत्र की मेजबानी का फैसला किया गया, जो 20 जुलाई तक चलेगा। यूपी में बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकर विधि विधान से पूजा करने लगे। मुख्यमंत्री योगी वहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन और इलाके की सांसद प्रियंका रावत के साथ वन महोत्सव की शुरुआत करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने महादेवा की लोधेश्वर महादेव मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच पहले जलाभिषेक किया। इसके बाद दुग्धाभिषेक कर करीब आधा घंटे तक पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा की। इस बीच उनके साथ मौजूद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने भी पहले जल और फिर दूध से अभिषेक किया। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि सीएम के रूप में योगी से पहले साल 1984 में वीर बहादुर सिंह वहां जलाभिषेक करने पहुंचे थे, जिसके लगभग 34 साल बाद ये दूसरा मौका आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के लोधेश्वर महामंदिर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इससे पहले उन्होंने महादेवा वाटिका में ही पौधे लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। इस बीच मंदिर परिसर में करीब 6400 वर्ग फीट जमीन पर शंकर और पार्वती के प्रिय माने जाने वाले पेड़ों को लगाया गया, जिनमें पारिजात, रुद्राक्ष, बेल, पीपल, पाकड़ और बरगद के करीब 400 पौधे शामिल हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में जल, जंगल और प्रकृति को बचाने का संदेश भी दिया। उन वृक्षों को हम लगाएंगे जिनके अंदर औषधीय गुण हो या फिर जिनकी एक व्यापक पैमाने पर धार्मिक महत्व भी हो। वन महोत्सव के समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने भी पौधा लगाकर लोगों से धरती को बचाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक अस्पताल के अंदर कुछ महिला पुलिसकर्मी जमीन पर बैठी एक विदेशी महिला